करना है, हमें क्या करना है वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं पहले उनको देखना चाहिए कि उनके घरों में क्या चल रहा है और किस तरह की बातें सामने आ रही है। आज कोई आके क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करके कह रहा है कि किसके संदर्भ में क्या क्या बातें आई थी और उसके संदर्भ में क्या बात सामने आई है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलता है, सभी चीज़ों की जांच हो रही है। हम गंभीरता से हर चीज़ पर विचार करते हैं। पूरे देश में फोगाट का मामला किसी से छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी कभी एक बार दम है, हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी से कहे, उन्हीं के दल के लोग हैं, कहे कि भाई इस महिला के साथ क्या हुआ है जरा बताने का, जहां पीड़िता सामने है। और जहां पीड़िता ही नहीं है, पीड़ित व्यक्ति कोई विधानसभा का नेता हो और वो उससे पीड़ित हो कि मैं चुनाव कैसे जीतूंगा और वो इस तरह की बातें करे और उसके बाद पर हम संज्ञान लेकर के कोई कार्रवाई करे, समझ से पड़े है। निश्चित रूप से उन्होंने खुद से अपना आवेदन दिया हुआ है और वो सारी बातों को अपने से जो पुलिस जांच करेगी। और जहां तक जो लोग सवाल उठाते हैं उनको एक बार अपने घरों में झांकने की जरूरत है, ये पब्लिक है, सब जानती है और सबके बारे में जानती है। नहीं बिल्कुल, देखिए वही तो बात है, अगर और मगर की बात नहीं होती है। जहां सत्यता पाई गई हो वहां क्या हुआ है, जहां पीड़िता सामने है और वो गुहार लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट जा रही है, वहां कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। सब बुद्धिमान तो झारखंड में पड़े हुए हैं, देश के सभी लोगों का तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वो महिला, चार चार महिला बैठ करके रो रही है जंतर मंतर पर और इन लोगों को यहाँ झूठी कहानियों पर पूरा बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं देखिए, बेहतर तो वही लोग बता पाएंगे जो इस वीडियो में एन प्रकारेन शामिल हो जा रहे हैं, बेहतर तो वही लोग बता पाएंगे। और हम समझते हैं कि ये कवायद चल रही है और जो आपने दो दिन पहले एक दैनिक अखबार में भास्कर में हमने पढ़ा था, ये इस पर पूरी स्टोरी थी, उसमें कई आपके साथी भी उसमें फंसे हैं और एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, ऐसा सामने में मामला आया है। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को गंभीरता से जांच करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सारी बातें झूठी हो या सारी बातें सच हो। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।